हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ प्रैक्टॉक सीरीज़। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बैलिस्टिक कांस्टेंट। तो किसी भी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का बैलिस्टिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं कंडेंसर मेथड से, तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने चार प्रैक्टिकल में करा है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल से देखने से पहले हम सर्किट डायग्राम और फिर रिजल्ट और प्रिकॉशंस, तो इस प्रकार ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे अपन। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या करना है आपको, एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर लेना है बीजी, और यहाँ पर एक टैपिंग की कनेक्ट करनी है। यहाँ पर थ्री वे की रहेगी आपके पास में। यहाँ पर एक कंडेंसर, जिसे आप कैपेसिटर भी कह सकते हैं, और फिर यहाँ से आपके पास में कुछ इस प्रकार रियोस्टेट है, यहाँ पर की है, यहाँ बैटरी, और यहाँ पर वोल्ट मीटर। ये इस प्रकार सर्किट रहेगा। देखिए, पहले बीजी से कनेक्ट करनी है आपको टैपिंग की, यहाँ टी के लिख देता हूँ मैं, टैपिंग की के लिए, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर या कंडेंसर सी, और यहाँ थ्री वे की ए बी सी नाम दे दीजिए आप, थ्री वे की या मोर्स की, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए, अब ये बैटरी है, और बैटरी के हम कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में, तो प्लस से प्लस और माइनस का माइनस। तो इस प्रकार आप वोल्ट मीटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर है की के लिख देता हूँ, और यहाँ रियोस्टेट आर एच। तो इस प्रकार ये सर्किट डायग्राम, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ध्यान होगा। फिर उसके बाद में फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा कंडेंसर मेथड से बैलिस्टिक कांस्टेंट निकालने के लिए। तो द बैलिस्टिक कांस्टेंट ऑफ ए बीजी कैन बी गिवन एज के इक्वल्स टू सी ई डिवाइडेड बाय थीटा वन ब्रैकेट वन प्लस लैम्डा बाय टू। तो सी तो यहाँ पर कंडेंसर या कैपेसिटेंस है, और ई है जो वोल्टेज है बैटरी का, थीटा वन है स्पॉट लाइट ऑफ फर्स्ट थ्रो, जो फर्स्ट थ्रो में अपने पास जो लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट होती है उसमें जो फर्स्ट थ्रो आएगा वो थीटा वन है, और लैम्डा यहाँ पर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है। और लैम्डा का फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 10 लॉग बेस 10 थीटा वन अपॉन थीटा 11। यहाँ पर थीटा वन और ये वाला थीटा वन दोनों सेम है, और यहाँ थीटा 11 जो 11th स्पॉट होगा लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट में, जो अपने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की जो पूरा अरेंजमेंट होता है अपने प्रैक्टिकल में, उसमें फर्स्ट एंड 11th थ्रो को नोट करेंगे, तब ये थीटा वन एंड थीटा 11 की वैल्यू आएगी। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए और किस प्रकार इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है वो देखते हैं। तो देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर, वोल्ट मीटर रीडिंग और स्पॉट ऑफ लाइट थीटा वन एंड थीटा 11, लैम्डा और लैम्डा का मीन। तो ये सिंपल सी एक टेबल है, आपको याद रखनी है। इसमें आपके पास में दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप कैपेसिटेंस को या जो कंडेंसर है उसकी वैल्यू कांस्टेंट कर लीजिए, या वोल्ट मीटर की रीडिंग कांस्टेंट कर लीजिए। इन दोनों में से एक को कांस्टेंट करना है, और एक को चेंज करते वक्त आपको जो थीटा वन एंड थीटा 11 नोट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये कैपेसिटेंस है, सॉरी कंडेंसर है, उसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए बैटरी लगी है यहाँ पर और कैपेसिटर यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, ए को सी से कनेक्ट करेंगे। ए को सी से कनेक्ट करने पर ये जो बैटरी है वो कंडेंसर से कनेक्ट हो जाएगी, तो इस प्रकार ये चार्जिंग हो जाएगा। उसके बाद में आपको एटलीस्ट 15 सेकेंड के लिए चार्ज करना है, ठीक है। 15 सेकेंड चार्ज करा है, उसके बाद में इसकी जो ये कनेक्शन होगा उसको खोल के ए को बी से कनेक्ट करना है, यानी जो बैटरी है उसको अलग करना है, और जो बीजी है उससे कनेक्ट करना है कैपेसिटेंस को। अब जो कैपेसिटेंस का जो भी इसमें चार्ज होगा वो जाएगा बीजी में, ठीक है, जो बीजी में जाएगा, और फिर अपने पास में एक लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट रहती है जो उसमें स्पॉट दिखता है, ठीक है। तो वो स्पॉट अब ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर उसमें शो करेगा, तो आपको वो थीटा वन एंड थीटा 11 की रीडिंग लेनी है। फिर उसके बाद में अगेन आपको 15 सेकेंड के लिए चार्ज करना है, यानी ए को सी से कनेक्ट करना है, और अगेन आपको डिस्चार्ज करना है, यानी बीजी से जोड़ना है, तो ए को बी से जोड़ लीजिए। इस प्रकार आपको 4 से 5 रीडिंग लेनी है। इसमें आप कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 0.1 माइक्रोफेरेड है, या जो भी आपके वैल्यू है वो यहाँ कांस्टेंट रख सकते हैं। और वोल्ट मीटर की रीडिंग है, ये जो बैटरी की जो वैल्यू है, जो वोल्टेज की वैल्यू है, उसको आप चेंज करते जाइए, और जो डिस्चार्ज कर रहे हो आप, तो थीटा वन और थीटा 11 की वैल्यू नोट करते जाइए।
उसके बाद में लैम्डा कैसे कैलकुलेट करना है, लैम्डा के लिए वैल्यू रही 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग बेस 10 थीटा 1 अपॉन थीटा 11। तो लैम्डा 1 के लिए, जैसे मैं यहाँ लिखूँ लैम्डा 1 के लिए 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग बेस 10 या थीटा 1 और थीटा 11 की वैल्यू रखनी है आपको, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद में लैम्डा 2 भी कैलकुलेट करना है, लैम्डा 3 भी कैलकुलेट, लैम्डा 4 भी कैलकुलेट। इस प्रकार 4 से 5 आपको थीटा 1 और थीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में लैम्डा कैलकुलेट करना है और उनका मीन लेना है। लैम्डा का मीन आने के बाद आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी के इज इक्वल टू सी ई डिवाइडेड बाय थीटा 1 1 प्लस लैम्डा बाय 2। अब जैसे कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आप रख दीजिए 0.1। ई की वैल्यू, इन दोनों में से जैसे आप एक को चेंज कर रहे हैं तो दोनों की एक की वैल्यू तो सेम रहेगी और एक चेंज होता जाएगा, तो ई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आप के लिए K1 K2 K3 एंड K4 कैलकुलेट करेंगे और उसका मीन लेंगे। सिंपली आप K फाइंड कर लेंगे, K मीन। तो K मीन होगा वही आपका बैलिस्टिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में रहेगा आपने प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस आपको लिखने हैं 2, 1 से 2। ये वैसे भी आप जैसे इतना याद रखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो केयरफुली लेनी चाहिए, और जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है उसकी जो उसमें जो ऑसिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। इस प्रकार आप 2 प्रिकॉशंस लिख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर हुआ। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। सो चलिए अब इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर अपन यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इट इज़ अ डिवाइस। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो चार्ज को मेजर करती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी विद्युत सॉरी चुंबकीय फ्लक्स की हेल्प से किसको चार्ज यानी आवेश को मेजर करती है। उसके बाद में कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, अपन कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल में, तो क्वेश्चन हो सकता है कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या हो सकता है। ये मैंने 2 से 3 बार बता रखा है पिछले प्रैक्टिकल में, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में टैपिंग की यूज़, टैपिंग की का यूज़ क्या है इसमें? देखिए जब हमने डायग्राम बनाया था तो उसमें लिखा था BG और BG के यहाँ पर कनेक्ट था एक टैपिंग की, तो टैपिंग की का यूज़ क्या हो सकता है? तो टैपिंग की हेल्प से अपन क्या करते हैं कि जो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट होती है अपने पास में, जो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट होती है उसका जो स्पॉट होता है वो जीरो पर लाने के लिए, जीरो पर लाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? टैपिंग की का। उसके बाद में क्वेश्चन हो सकता है वो यूनिट ऑफ बैलिस्टिक कांस्टेंट। अपन बैलिस्टिक कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो बैलिस्टिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है और उसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। वैसे फॉर्मूले में अपन यहाँ पर तो के इज इक्वल टू सी थीटा 1 प्लस लैम्डा बाय 2 कुछ ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कहें अपन तो जो के होता है वो क्यू बाय थीटा होता है। क्यू बोले तो चार्ज एंड थीटा यानी डिफ्लेक्शन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट डिफ्लेक्शन, चार्ज पर यूनिट डिफ्लेक्शन। इसके अलावा और क्वेश्चन हो सकता है कि अपन वोल्टमीटर जो यूज़ करते हैं इसमें, या फिर किसी भी प्रैक्टिकल में ले लो आप, तो वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, अमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? ये 2 क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों करते हैं और अमीटर को सीरीज में क्यों करते हैं। उसके अलावा जो ये कैपेसिटेंस और कैपेसिटर है उसकी भी जो डेफिनेशन मैंने बताई है पिछले प्रैक्टिकल में, या आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।